दबाना पड़ता है। यहाँ पे भाई हमारी बन रही है पूरियां, और रजब की जब नियाज करेंगे कुंडा शरीफ की, तो यहाँ की तैयारी हो रही है कुंडों की, पूरियों की, और साथ में ये बन रहे हैं पेड़े और ये है रोटियाँ। तो भाई पूरी रात हमें झाँकनी है, और जो है ना ये बनाना है हमें नियाज इमाम जाफर सादिक का। तो कौन कौन नियाज बनाता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो थोड़ी थोड़ी वीडियो आपके साथ जो है ना मैं शेयर करती जाऊंगी। और साथ में हमारा चल रहा है यहाँ पे खाना भी, किस किस को खाना है आ जाओ, समोसे हैं गरम गरम और फ्रूट है, तो हम साथ में ये भी खाएंगे, और साथ में हमारी जो है ना पूरियाँ भी मिल जाएगी। पर मेरी पूरियां माशाल्लाह से काफी तैयार हो चुकी है आधी, और आग देखिए कितनी फुल स्पीड में जल रही है। और यहाँ पर जो है ना अभी रोटियां रह गई हैं, ये सब आए हैं हमारे साथ बनवाने के लिए। नींद नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं। क्यों? मम्मा को आ रही है। मम्मा को आ रही है? नहीं, आप किसी को भी नहीं आ रही, ये बच गई है काफी सारी। और यहाँ पर हमारी रह गई थी, और यहाँ पर भी कुछ रह गई है, ये सब हमने सूखने रखी थी। जब ये सूख जाती है फिर हम इसे जो है ना कढ़ाई में डालते फ्राई करते। और काफी टाइम देखें, रात भी काफी हो चुकी है, तो हमें मज़ा भी आ रहा है, हवा भी माशाल्लाह काफी चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि झाड़ देखें कैसे हिल रहे हैं, और जो है ना ये देखें कितनी हवा चल रही है यहाँ पर, और सब बैठे हुए, मज़ा भी आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर सब। और ये देखो अब्रीश आ गई हमारी, अब्रीश। हाय अब्रीश, भूख लग रही है आपको? नहीं, अभी इसने पूरी खाई है ना, इस वजह से भूख नहीं लग रही। हवा देखे काफी आ रही है, और ये देखें लकड़ियों पर हवा जो है ना, लाइट भी हमारी चली गई। ओहो, तूफान आ गया लगता है। हाँ, तूफान भी आ रहा है, और लाइट भी हमारी चली गई, हवा देखे कितनी आग के जरिए। और यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड के दोस्त है, उनकी वाइफ है, उनकी माँ भी है किसी की, और पड़ोस पड़ोस से सब आए हुए। और मेरे हस्बैंड के जो दोस्त है ना जायद कायम खानी, तो वो जो है ना उनके अच्छे घेरे दोस्त हैं, और उनसे ज़्यादा है उनकी। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और अल्लाह पाक के करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो रात को हमने बनाई थी पूरियां, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो हमने पूरियां बेली थी। और रात को जो है ना आधी रात को तूफान आ चुका था, और बारिश इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना कि पूरा हमारा जो निज़ाम है ना वो सब धर्म भरम हो गया था। पर अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारी जो पूरियां है ना वो बन चुकी थी, और तकरीबन 12 बजे तक हमने पूरियां बना ली थी। और ये देखें सारी सिलें जो है ना ये गीली हो गई थी, और ये छेड़ जो हमने लकड़ियां जलाई थी वो भी सारी गीली हैं। और बारिश देखें, अभी भी मौसम ऐसे ही लगा हुआ है कि बारिश दोबारा से आ सकती है। और सारी हमारी चादरें वगैरह जो हमने यहाँ पर रख कर छोड़ दी थी वो सब गीली हो चुकी थी, और चारपाई वगैरह ये देखें। लेकिन जिन पड़ोस में जो हमारे साथ आकर हमारे साथ पूरियां बनवाई थी इमाम ने जाफर सादिक के नियाज की, तो उन सब का बहुत शुक्रिया, का तहे दिल से बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया था। और जो जो यहाँ पर आए थे हमारे साथ, हमारे नियाज में शामिल हुए, हमारे साथ बनाया, उन सब का बहुत शुक्रिया। और जो है ना अभी देखिए मौसम काफ़ी जो है ना ठंडा हवादार हो रही है, हो सकता है कि दोबारा से बारिश पड़े। लेकिन खीर जो है ना वो हमने स्टार्ट नहीं की थी, सिर्फ पूरियां ही बनाई थी, खीर हम बनाएंगे इंशाल्लाह आज शाम को, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग को जो मैं ना यहीं पर एंड करूंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो है ना हमारी पूरियां जो है ना बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो सारी हमने जो है ना चारपाई के नीचे इधर रख दी थी ढाक कर, ताकि इसके ऊपर जो है ना हम कपड़ा लगा सकें। तो यहाँ पर माशाल्लाह तकरीबन सारी हमारी पूरियां रेडी हो चुकी है, और खीर जो है ना हम आप शाम में बनाएंगे, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को जो है ना हम यहीं पर एंड करेंगे, ये पूरी दिखाने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई थी, वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। फिर दोबारा शाम को मिलेंगे आपके साथ, और जो हम खीर कैसे बनाते हैं, कैसे उसे धोएंगे, देखिएगा
और उसके ऊपर मट्टी लगाकर हम लकड़ियों के ऊपर बनाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरी, और फिर दोबारा हम शाम को आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।